दोस्तों, ये हम सबने सुना है कि महाभारत युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने कौरवों द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह के 6 चरणों को भेद दिया था। जिसे महाभारत की कथा का पूरा ज्ञान नहीं है, वे भी अभिमन्यु के चक्रव्यूह में फंसने का प्रसंग भली भांति जानते हैं। अभिमन्यु और चक्रव्यूह की कहानी का आम जनमानस में एक अलग ही प्रभाव और जिज्ञासा है। व्यूह रचना पुराने युद्धों में आम बात थी। फिल्म बाहुबली का त्रिशूल व्यूह भी एक प्रकार की व्यूह रचना ही थी। शत्रु सेना के बल, संख्या और हथियारों को ध्यान में रखकर व्यूह रचना की जाती थी। कुछ प्रमुख व्यूह कमल व्यूह, क्रॉन्च व्यूह, मंडल व्यूह, त्रिशूल व्यूह और चक्रव्यूह इत्यादि हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चक्रव्यूह की, क्योंकि अभिमन्यु के बारे में सब जानते हैं, लेकिन चक्रव्यूह की रचना और कार्य प्रणाली के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। दरअसल अभिमन्यु जब सुभद्रा के गर्भ में थे, तभी उन्होंने अर्जुन के मुख से चक्रव्यूह भेदन का रहस्य जान लिया था। पर सुभद्रा के बीच में ही निंद्रामग्न होने से वे व्यूह से बाहर आने की विधि नहीं सुन पाए थे। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलता पूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद दिए। इस दौरान दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण भी अभिमन्यु के हाथों मारा गया। अपने पुत्र को मृत देखकर दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक में रख दिए और अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण में पहुंचे, तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया और उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। हालांकि ऐसा करना युद्ध के नियमों के विरुद्ध था और यहीं से महाभारत युद्ध में नियमों की अनदेखी की शुरुआत हुई। माना जाता है कि श्री कृष्ण ये पहले से जानते थे कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदकर अंदर तो घुस सकता है, किंतु बाहर नहीं आ सकता। उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर भी श्री कृष्ण ने अपने भांजे को दाव पर लगा दिया। इसका कारण यह है कि श्री कृष्ण जानते थे कि पांडव युद्ध के सभी नियमों का अपनी जान गंवाकर भी पालन करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो युद्ध जीतना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब एक पक्ष नियम तोड़ देता है, तो दूसरे पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिल जाता है। व्यूह रचना का सामान्य अर्थ है कि किस तरह सैनिकों को सामने खड़ा किया जाए, क्योंकि पहले के युद्ध आमने सामने आकर लड़ने पड़ते थे। इस चक्रव्यूह को बाहर से देखने पर इसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। कहते हैं कि चक्रव्यूह की रचना आचार्य द्रोण ने की थी। इस व्यूह को एक घूमते हुए चक्र के आकार में बनाया गया था। किसी भी योद्धा को बाहरी व्यूह में घूमते हुए सैनिकों में से किसी एक को मारकर भीतर घुसना होता है, लेकिन ये समय क्षण भर का ही मिल पाता है, क्योंकि व्यूह का दूसरा सैनिक तत्काल ही उसकी जगह आ जाता है। अभिमन्यु के साथ यही हुआ। पहली कतार के सैनिकों को मारकर अभिमन्यु व्यूह में प्रवेश तो कर गया, लेकिन जैसे ही अभिमन्यु व्यूह में घुसा, तो व्यूह रचना बड़ी तेजी से बदली और उसके साथ ही भीम, सात्यकी, नकुल और सहदेव कोई भी अंदर घुस नहीं पाए। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना जानता था। उसने सामने वाले योद्धा को मारा और थोड़ी सी देर के लिए मिली खाली जगह से वो अंदर घुस गया। घुसते ही वो खाली जगह फिर से बंद हो गई, क्योंकि मारे गए योद्धा की जगह किसी अन्य योद्धा ने ले ली थी। अभिमन्यु दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर यह नहीं देखा कि दीवार पुनः बन गई है और अब इससे बाहर निकलना मुश्किल होगा। अभिमन्यु ने सब जानते हुए भी हार नहीं मानी और अद्भुत पराक्रम दिखलाया। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के मध्य में पहुँचते गए, वैसे वैसे वहाँ खड़े योद्धाओं का कौशल उन्हें बड़ा हुआ मिला, क्योंकि वे सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, बस खड़े थे, जबकि अभिमन्यु युद्ध करता हुआ वहाँ पहुँचा था। इतने समय युद्ध और व्यूह रचना तोड़ने के कारण वो थका हुआ था। वहीं कौरव पक्ष के योद्धा तरोताजा थे। ऐसे हालात में अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह से निकलने के मात्र दो ही उपाय थे। पहला ये कि उसे चक्रव्यूह से बाहर आने का ज्ञान होता तो वो बच जाता, या उसके पीछे अन्य योद्धा भी उसके साथ देने के लिए व्यूह में घुस जाते तो भी वो बच सकता था। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुंचा, तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि जैसे महारथियों ने घेर लिया। अभिमन्यु फिर भी साहस पूर्वक उनसे लड़ता रहा। 7ों ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़ों को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को
अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करता रहा। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब अभिमन्यु निहत्ता था। युद्ध के नियम के तहत निहत्ते पार वार नहीं किया जा सकता, किंतु तभी जयद्रथ ने पीछे से निहत्ते अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया। इसके बाद एक के बाद एक सातों योद्धाओं ने उस पर वार किए। अभिमन्यु वहां वीर गति को प्राप्त हुआ। अभिमन्यु के वीरतापूर्ण बलिदान से पांडव गुस्से से धधक उठे। युद्ध के नियमों को इस तरह ताक पर रखना अंततः कौरवों को ही भारी पड़ा, क्योंकि इसके बाद द्रोणाचार्य, महाबली कर्ण और दुर्योधन का वध नियमों को ताक पर रखकर ही किया गया। भगवान कृष्ण यही पांडवों को सिखाना चाहते थे कि धर्म संस्थापनार्थाय अर्थात धर्म की स्थापना के लिए जो भी करना पड़े वही कर्तव्य है और वही सच्चा धर्म है।